ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ईआरपी नाइन की क्लास में हम लोग पेरोल का एक टॉपिक कर रहे हैं और पेरोल के लिए हम लोग पेहेड क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से कंपनी में लेजर क्रिएट किए जाते हैं आप जर्नल वाउचर एंट्री करने के लिए, उसी तरीके से पेहेड के लिए कुछ पेरोल के लिए पेहेड्स क्रिएट करने होते हैं। आज का जो पेहेड है वो है एम्प्लॉयर एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट 10%। हम लोग एम्प्लॉयर का एक एनपीएस कंट्रीब्यूशन का एक पेहेड क्रिएट कर रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन जैसा आप देख रहे हो सारी इसी तरीके की रहने वाली है। और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सेम टू सेम सीखना चाहते हैं और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पे आपको tally.erp9 चालू कर लेनी है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर चालू होने के बाद इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि आप इस वाली क्लास को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यदि आप पहले से कर रहे हैं तब तो आपने क्या अपनी कंपनी बना रखी होगी, आपकी कंपनी का नाम नेम ऑफ कंपनी में जैसे मेरी कंपनी है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर जो इस तरीके से आ रहा होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्लास को तो आपको करना क्या है, आपको ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर जो चैनल में चले जाए वहाँ पे tally.erp9 की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देख लें। इससे क्या होगा कि आप कंपनी बनाना सीख जाएंगे और सेलेक्ट करना उसे सीख जाएंगे। कंपनी बना के जैसे ही सेलेक्ट करेंगे कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप तो आपको यहाँ पे पेरोल इन्फो नहीं आएगा। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 129 नंबर की क्लास उसी प्लेलिस्ट में जाएं tally.erp9 में। वहाँ पे 129 नंबर की क्लास से पेरोल के टॉपिक स्टार्ट होते हैं तो वो आपको 129 से आगे के सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप करने हैं और तब आपको ये टॉपिक और ये पेहेड क्रिएट करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप 100% सीखना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाते चलें और स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासें करें तभी आपको समझ में आएगा। बीच में से करेंगे तो शायद कम परसेंटेज आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या है कि पेरोल इन्फो मैं एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पे पेरोल इन्फो पे जाऊंगा और मुझे एक नया पेहेड क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे पेहेड्स पे जाना है और पेहेड में नए पेहेड क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेम पूछा गया है। आज की जो हमारा जो पेहेड है उसका नाम है एम्प्लॉयर, उसका नाम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट 10%। 10% का कंट्रीब्यूशन है कंपनी की तरफ से। अब हम लोगों को यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे एलआईएस देना है, एलआईएस नेम में कुछ नहीं देना है, आपको यहाँ पे सीधा पेहेड इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। पेहेड इन्फॉर्मेशन में यदि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पेहेड टाइप पूछा जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एनपीएस, तो एनपीएस एक टैक्स है और इसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयर स्टेचरी कॉन्ट्रीब्यूशन। एंटर करेंगे तो आपसे नीचे पेहेड का टाइप पूछा जाएगा। आप एनपीएस कर रहे हैं तो एनपीएस का पूरा नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, ये इसका फुल नेम भी है और आपको यहाँ पे टाइप में नेशनल पेंशन स्कीम टायर फर्स्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अंडर आएगा, अंडर में आपसे पूछा जाएगा कंपनी के लिए क्या है। कंपनी के लिए खर्चा है और इनडायरेक्ट खर्चा है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करना है। अफेक्ट नेट सैलरी में आपको नो रहेगा, यहाँ से आपको यस नहीं करना है। देन नेम टू बी डिस्प्लेड इन पेस्लिप, पेस्लिप में उसका नेम क्या रहेगा एंटर करोगे यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को हटाना है तो डिलीट धीरे 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 आपको डिलीट बटन प्रेस करना है, ये डिलीट होता जाएगा। और उसके बाद एनपीएस कंट्रीब्यूशन एट द रेट 10% करना है। यदि ये पूरा डिलीट हो जाए तो आपको इस जगह से आपको पूरा वापस लिखना है एनपीएस कंट्रीब्यूशन एट द रेट 10%, एम्प्लॉयर्स नहीं लगाना है। एंटर करेंगे पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन टाइप क्या है, जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो किस टाइप से होगी, वो कंप्यूटेड वैल्यू है उसी तरीके से करना चाहते हैं। अब नॉर्मल राउंड, इसमें राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग चूज करना है। देन लिमिट के अंदर 1 लेना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपसे कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। उसके लिए कंप्यूट यानी गणना के लिए आपको क्या करना है, हमें गणना करनी है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। इसको चूज करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको पेहेड लेना है कि किस पेहेड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिक पे के अनुसार कराना चाहते हैं जो उसकी बेसिक सैलरी होगी। दूसरी बार में फिर से आपसे एंड ऑफ लिस्ट पूछे तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है। अब आपका जो कर्सर आ जाएगा इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 ही रखना है या आप तब जब से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं वो बदल भी सकते हैं। अमाउंट अप टू में एंटर प्रेस करेंगे यानी कि स्किप कर देंगे, कुछ नहीं करना है। स्लैब टाइप में आपको परसेंटेज लेना है क्योंकि यहाँ पे आपने 10% लिखा है, इसका मतलब आप बेसिक सैलरी का 10% लेना है तो परसेंटेज लेंगे। यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है उस वैल्यू में आपका जो 0% है वहाँ पे लिखेंगे 10 10 और एंटर प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ परसेंटेज लग जाएगा।
इस तरीके से जैसा इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने पेहेड आपको क्रिएट करवाया था, वो सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने पे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एक्सेप्ट यस, ये सेव करने के लिए बोलता है। आप जैसे यस करेंगे ये सेव हो जाएगा, और नो करेंगे तो नहीं होगा। मुझे सेव करना, मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपके पास फिर से यहाँ पे एक ब्लैंक पेहेड के लिए क्रिएशन पेज आएगा, लेकिन ये एस्केप की से बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पे आप देखो आपका पेहेड क्रिएट हुआ है, नहीं, हमारा जो आज का पेहेड था वो था एम्प्लॉयर NPS contribution at the rate 10%, ये आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही बना है, आप देख सकते हो जैसा मैंने फर्स्ट टाइम में आपको दिखाया था वैसा सेम टू सेम है, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक पेड क्रिएट करना सीखे NPS contribution at the rate 10%। यदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इसके पीछे बैक आए और बैक आप पेड तक आ जाए। यहाँ पे क्रिएट मतलब बनाना होता है, डिस्प्ले मतलब इसको देखना होता है, और अल्टर में आप बदलाव कर सकते हैं डिलीट, तो अल्टर चूज करना है। और जिस पेहेड को आप बदलना चाहते हैं, जैसे ये था आपका एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन एट द रेट 10%, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बदलाव वाली पोजीशन में आ जाएगा। कोई भी चीज़ बदलनी है आपको, जैसे आपको यहाँ पे मान ले इसका जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अंडर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज करना है मान लेते हैं, ये हो सकता है। या फिर यहाँ परसेंटेज आपको बदलना चाहते हो, या ये डेट चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ 1/6 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 जून 2023 हो गया है। कोई भी बदलाव यहाँ पे कर सकते हो। यदि आप बदलाव चाहते हो तो एंटर करके यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट करना है, यदि बदलाव नहीं चाहते हो तो नो करना है। दूसरा, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अल्टर वाली पोजीशन में ही खुला हुआ है, आप ओल्ड के साथ डी यदि प्रेस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि डिलीट करना चाहते हैं, तो यस करेंगे, और नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे। मैं नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं नो कर रहा हूं, और एस्केप की से बैक आ जाता हूं, और बैक आके मैं वापस से उसी स्थान पे आ जाऊंगा जो हमारा फर्स्ट वाला पेज था, वो है गेट ऑफ टेली। इस तरीके से हमने आज पेरोल के लिए एक नया पेहेड क्रिएट करना सीखा, वो है एम्प्लॉयर एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन एट द 10%। यदि आपको ये चीज समझ में आई तो प्लीज कमेंट्स में यस लिखें, यदि नहीं आए तो क्या नहीं आए वो आप लिख सकते हैं, आपको वापस समझा दिया जाएगा। एक बार में क्लास समझ में नहीं आएगी, बार बार देखें। और दूसरा, आपको पेरोल की जो सभी क्लासेज है स्टेप बाय स्टेप देखनी है, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेहेड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।